बोलो चलो 3 2 1 गो हैप्पी दिवाली। हाय गाइस वेलकम टू पूजा राय व्लॉग्स और आप सभी को हैप्पी दिवाली गाइस। एंड प्लीज प्ले सेफली, अगर आप पटाखे वटाखे फोड़ते हैं तो सेफली जलाइएगा। और अभी फिलहाल तो गाइस मैं स्टूडियो में हूँ, सोच रहे थे कि स्टूडियो से ही घर जाऊंगी, तब तक थोड़ी बहुत सफाई भी कर लूंगी स्टूडियो की। वेल गाइस मैं वैसे पीरियड हो गई हूँ तो इसलिए मैं पूजा में तो नहीं बैठ पाऊंगी घर में, और मैंने यहाँ पे स्टूडियो में भी पूजा नहीं किया है। बट यस, गिफ्ट्स वगैरह हम शेयर कर सकते हैं दिवाली वाले दिन। तो घर के लिए कुछ गिफ्ट्स मंगाए हैं मैंने, इन कपड़ों में मैं घर से आई थी, बट इन कपड़ों में मैं घर नहीं जाऊंगी। आपने देखा होगा गाइस मेरे शॉर्ट वीडियो में भी मैंने शेयर किया है मेरा दिवाली आउटफिट, और मुझे पता है मम्मी कुछ ना कुछ तो बोलेगी कि दिवाली वाले दिन भाई तू काले कपड़े पहन रही है। ये इयररिंग्स हैं गाइस जो मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ, मैं सोच रही हूँ या तो मैं ये पहन कर जाऊँ या फिर ये सिल्वर ऑक्सीडाइज में है जिसमें ब्लू स्टोन का वो है, या तो मैं ये पहनूँ, मेरे को नहीं समझ आ रहा। दिस गोज विद एवरी कपड़े ना गाइस, तो इसलिए ये बहुत ही वैसा भी है, लाइक ज़्यादा ओवर नहीं लगेगा। ये पार्टी वार्टीज में अच्छा लग रहा है, घर के फंक्शंस के लिए तो आई थिंक दिस इज़ परफेक्ट। मैं अब तैयार हो जाती हूँ और आपसे घर जाके ही मिलती हूँ, घर में ही मैं आपको मेरा आउटफिट भी दिखा दूंगी। और गाइज मैंने घर के लिए कुछ सामान भी मंगाया है। हैप्पी दिवाली भैया, थैंक यू। तो गाइज मैं आ गई हूँ घर और देखो आते ही मेरी नज़र पड़ी गिफ्ट्स में, यार कितने प्यारे प्यारे गिफ्ट्स आ रखे हैं। वाओ ये बॉक्स कितना प्यारा लग रहा है, भाभी ने दिए हुए मैंने बैंगल्स ही पहने। दिस लुक्स सो प्रिटी, हैप्पी दिवाली दी, थैंक यू आपको भी। सो गाइज मैं तो अभी मंदिर के सामने जा नहीं सकती, तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगी कि कैसा डेकोरेट किया मम्मी और भाभी ने, तो वो भाई आपको दिखाएगा। हाय गाइस मैं हूँ पूजा का भाई, तो एंड ये मम्मी और मीना ने मंदिर सजाया हमारा। हैप्पी दिवाली गाइस। और ये देखो गाइस ये गेस्ट के लिए रखा हुआ है, नमक पारे, बादाम, काजू, कुकीज है, मिनी समोसा और मटरी। और ये गाइस आ गई मम्मी। हाय कैसे हो आप लोग सब, अच्छी तरह से मनाना दीपावली, दीपावली की शुभकामनाएं सबके लिए। और मम्मी बहुत ज्यादा हबड़ दबड़ कर रही थी गाइस फेस्टिवल के टाइम, बहुत ज्यादा हबड़ दबड़ करके मैंने कहा आराम से करो आराम से करो। आप गुस्सा हो मम्मी, तो है ही काला कपड़ा पहनती है दीपावली के टाइम में, दूसरा कॉर्नर लेके आना। बट मैंने गाइस बोला ना कि मैं पीरियड हो रखे है तो मैं पूजा में वैसे भी नहीं बैठ सकती हूँ, तो इसलिए बैठ भी सकती है ना, फिर भी पहनना तो मामा। बट इसमें गोल्ड का प्रिंट है ना तो ये पहन सकते हैं, मैंने गूगल भी किया था गाइस, अगर ब्लैक में गोल्ड प्रिंट है सिल्वर प्रिंट है तो आप पहन सकते हो, प्लेन ब्लैक नहीं पहनना चाहिए। ठीक है हैप्पी नो, जब तक हमारी कहना नहीं मानोगे हम ये तो कट होगा। रो क्यों रहे हो आप, हैप्पी दिवाली बोलो सबको, ठीक है ये उतारना नहीं है, ठीक है अच्छा लग रहा है ये, आप बहुत क्यूट लग रहे हो इसमें, पता है आपको। देखना गाइस लव्यांश ने क्या किया, दोनों फादर एंड सन ट्विनिंग्स। पहले हैप्पी दिवाली बोल दो। जब मैं बोल रही थी इसको बोलने तो भी तो सैड होके बोल रहा था हैप्पी दिवाली, पता है ऐसे ना बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे आप। बेबी तो गुड बॉय है, क्या हो गया आपको, बोला है ना अगर आप अच्छे बच्चे बनोगे तो वही मिलेगा आपको सरप्राइज। आगे देख रहे हो अब इसकी दाल हो गई है रो रो के, ये देखो इसका अंदर का निकाल दिया, जस्ट इसको ओवर कुक बना दिया अभी का गिफ्ट, अब मैं दे रही हूँ उसको गिफ्ट, ये देखो सरप्राइज। पहले रोना नहीं, रोना नहीं, पहले अच्छे बच्चे बन के बैठो, स्माइल करो, पहले स्माइल करो, लावू ऐसे नहीं रोते बेटा, बैठो बैठो बैठो, टू सरप्राइज पकड़ो। ये देखो गाड़ी मैंने दिया है लाबू को, ये गाड़ी रिमोट वाली गाड़ी है पता है आपको, ये देखो रिमोट भी है इसमें, अभी पापा को बोलो पापा करेंगे कैसे चलाते हो। लाभ को भी लग रहा है अब टिक्की और मोली गाइस, मेरी तो बात ही अलग है, देखा आपने लाभ अब बिल्कुल चुप हो गया है और हैप्पी हैप्पी हो गया है, अब आराम से खेल रहा है, किसी को भी तंग नहीं करेगा। ये दोनों के बीच में ना अनबन होती रहती है, बाप बेटे के बीच में है, और ये रोता रहता है। अब एक बार स्माइल करके दिखा दो, स्माइल चीज दिखाओ। मैंने सोचा थोड़ा ऐसे वाले दूं लाभों को गेम्स, जिससे उसका यू नो ब्रेन भी थोड़ा शार्प हो। अच्छा तो इसको कलर करके फिर एरोप्लेन बनेगा ये, मैंने आके ना ये वाला सेट कर दिया था, मम्मी ने सिर्फ यही लगा रखा था, तो ये मैं अपने स्टूडियो से लेकर आई और ये मैंने ऐसे लगा दिया,
अच्छा लग रहा है ना गाइस। यश अब मैं थोड़ी पिक्चर्स वगैरह लूंगी गाइस यहाँ पे खड़े हो गए क्योंकि अच्छा आ रहा है ना बैकग्राउंड। तो गाइस यहाँ भाभी का फोटो सेशन हो रहा है और मैं भाभी की फोटोग्राफर। जो यो गाइस चैनल कब आएगा पता ही नहीं अभी तक। आ रहा है बस चैनल आ रहा है चैनल ही ऑन द वे है इट्स ऑन द वे ऐसे आ रहा है। भाभी कह रही है एक और फोटो खींचने तो मैंने देखा ही नहीं यार गाइस देख रहे हो इतना अच्छा सजा रखा है रंगोली बना रखा है फूल से। वाओ खून से फूल से खून से मुझे समझ अब बैठ क्यों है अच्छा पोज दे रहा हूँ देख रहे हो गाइस फोटो तो ले रही हूँ नहीं फोटो नहीं है फोटो है भाई मेरे फोन से नहीं क्यों मेरा भी आईफोन ही है भाभी उसमें ब्यूटी वाला मोड है। अच्छा मैं मेरे में भी है स्नैपचैट से लूँ हाँ, आ जाओ लेंगे ब्यूटी प्लस से फोटो भाभी की ऊपर ले चीज़ चीज। अरे मेरा ब्लॉगर भाई आ गया कैमरा लेकर अरे रंगोली दिखा देते हैं भाभी ये गाइस भाभी ने बनाया है रंगोली बाबू ऊपर देखो खींच लो ना एक जना तो देख लो गाइस भाई बहन दोनों लग रहे हैं भाभी की फोटो लेने के लिए फोन से मैं ले तो रही हूँ ले लो ना ये उठा फिर बैठे करें ऐसे कर दो लाबू ऐसे ओके करो ऐसे ये इसका क्रेडिट किसको जाएगा ये जो डेकोरेट किया है बाद में किसको जाएगा सेक्रेट ये व्लॉगिंग है व्लॉगिंग तो है किसको जाएगा भाभी क्रेडिट व्लॉगिंग भाभी अपनी गोल्ड की रिंग दिखा रही है गाइस देख रहे हो अब यहाँ पे एक और फोटो सेशन हो रहा है गाइस कोई नहीं चल जाए आदिवाली है बैठो ना दीवान बैठो। तो गाइस ये जो भी आए थे ना ये हमारे पड़ोसियाँ आए थे इतनी आए हैं अभी अंदर बैठे हुए सब उनकी बातें चल रही है मम्मी पापा भाभी सब बैठ के बातें कर रहे हैं गाइस अब गेस्ट चले गए अब हम फिर काम शुरू कर रहे हैं। गाइस ये दूंगी मम्मी को मैं गाइस ये भी दे देती हूँ मम्मी को मम्मी ने ये देखा नहीं है देखते हैं मम्मी का रिएक्शन क्या होता है रोशन के लिए मम्मी ये लो आपके लिए एक और गिफ्ट माय गॉड आज तो बल्ले बल्ले हो गए मम्मी के भाई लोग को डांस को तो बहुत चीज मिल रहा है। सो गाइस अब हो रहा है हमारी फैमिली फोटो बोलो थ्री टू वन हैप्पी दिवाली। अब कर रही हूँ मैं डिनर तो बना है आज घर में पालक पनीर और ये है सोयाबीन मटर पुलाव और ये बना है आलू खीरा ये तिल का अचार है गाइस ये हमारे नेपाली स्टाइल में बनाते हैं। हेलो गाइस मैं पहले कर देती हूँ यानी कि घर का खाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो गाइस आपने एक चीज़ नोट किया मैंने क्वांटिटी बहुत कम लिया है देखो फैमिली के साथ तो अलग ही लेवल की मस्ती और सेलिब्रेशन होती है। तो इसी के साथ गाइस मैं आज का व्लॉग एंड करती हूँ आई होप आपको आज का हमारा व्लॉग पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर देना गाइस शेयर करना फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ और मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट व्लॉग में और नेक्स्ट मेकअप वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज बाय बाय लव यू गुड नाइट।